दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भारती को लेकर जो है बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। अपडेट ये है फ्रेंड्स कि आप सबको पता है इसका जो है लिखित परीक्षा हुआ था 17 और 18 फरवरी को। तो ये लिखित परीक्षा में ना कुछ जो है प्रश्न वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे। तो अब बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि इसका जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है। अब जो बिल्कुल नए सिरे से आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो है आपका फिर से दोबारा एग्जाम जो है कंडक्ट करे जाएंगे। इसकी जो है ऑफिशियली आधिकारिक सूचना जो है माननीय जो सीएम साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया है। मैं आपको पहले जो है ऑफिशियली अपडेट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकती हैं। ये जो है बहुत बड़ा ऑफिशियली अपडेट है। एक और इसके रिगार्डिंग 22 फरवरी के डेट में एक नोटिस भी आया हुआ है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियली वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पे। इसके अलावा आप देखेंगे तो ट्विटर के माध्यम से यूपी पुलिस का जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, आप देखेंगे एक्स जिसको हम बोलते हैं आज के जमाने में, क्योंकि ट्विटर जो है अब एक्स बन गया है तो हम ट्विटर ही बोल रहे हैं। यहाँ पे 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं यहाँ पे, और इन्हीं के द्वारा जो है आप देखेंगे ये शेयर किया गया है। 1 घंटा पहले की ये न्यूज है। आप देखेंगे सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा पहले ही यहाँ पे जो है ना ये जो है निर्णय लिया गया है और बताया गया है, साझा भी कर दिया गया है ट्विटर के माध्यम से। हम इसे फॉलो नहीं किया, हम फॉलो कर लेते, आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आएगा ना सीएम साहब के द्वारा यहाँ पे दे दिया जाता है, साथ ही साथ यूपी पुलिस को भी आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट आपको आते रहते हैं। तो यूपी सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी ने यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा करने का आदेश दिए हैं। यानी जो इन्होंने आदेश ये दिया है कि जो कांस्टेबल की जो भर्ती निकाली गई थी नागरिक पुलिस के पदों पर, उसमें जो परीक्षा यहाँ पे रद्द हो गया है और दोबारा जो है 6 माह के अंदर जो है आपकी भर्ती परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। अब यहां देखेंगे तो लिखा गया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परीक्षाओं को सूचित से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, सुचिता से देख रहे ना। तो ये बड़ी अपडेट है, सुचिता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई होना तय है। तो देख रहे ना, तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा जो है निर्णय यहाँ पे लिया हुआ है, और ये जो भर्ती है उसे जो है परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब भर्ती परीक्षा जो है नया अब यहाँ पे होने वाला है, 6 माह के भीतर ही आपका दोबारा परीक्षा ले लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1 से 2 महीना लग जाएंगे, 6 महीने तो बोला गया, लेकिन बहुत जल्द ही ये परीक्षा दोबारा से कंडक्ट की जा सकती है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि आप सबको पता है अभी जो यूपी बोर्ड का एग्जाम सामने है तो उसमें भी थोड़ा डिले होने की चांस है। फिर जो है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम है और भी तमाम एंट्रेंस एग्जाम है, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे होकर भी डिले होने के पूरे चांस हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने के अंदर जो है आपका दोबारा यहाँ पे जो है रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे। इसके अलावा एक और जो है सूचना यहाँ पे जारी किया गया, जो 22 फरवरी डेट में जारी किया गया, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के दिनांक 17 एवं 18 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही है तथा इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रतिवेदन देना है, कोई आपको गुप्त सूचना वगैरह देना है इस भर्ती के रिगार्डिंग कि यहाँ से पेपर वायरल हुआ है वगैरह वगैरह, तो आप जरूर दीजिए, कंप्लेन करिए। यहाँ लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ अपना प्रतिवेदन जिसके नाम पता मोबाइल नंबर आधार नंबर अंकित हो ईमेल आईडी इतना समय शाम 6 बजे तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रेषित प्रतिवेदन प्रमाणों साक्ष्यों के अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यानी ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी में अगर कोई साक्ष्य देना है कि यूपी पुलिस का जो है कैसे वायरल हुआ क्या हुआ, तो आप जो है दे सकते हैं अपनी जानकारी, अपना नाम पता मोबाइल आधार नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह देकर, अपने बारे में जानकारी देकर, और उसका जो भी प्रमाण है साक्ष्य है सुसंगत प्रमाण जो है आप इस मेल आईडी पे जरूर शेयर करेंगे। तो ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे सूचना जो है चल रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। अब आपका जो है बिल्कुल नए सिरे से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है निर्णय ले लिया गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी यहाँ पे 1 घंटा पहले जो इनका ऑफिशियली एक और ट्विटर हैंडल है
यूपी आदित्यनाथ के द्वारा दिख रहा है वेरीफाइड टिक, ये भी 1 घंटा पहले यहाँ पे देखेंगे। इन्होंने एक और जो यहाँ पे इस तरह से जो है ट्विटर शेयर किया हुआ है, आदित्य योगी आदित्यनाथ के नाम से इनका जो एक ट्विटर हैंडल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही वाला जानकारी जो है शेयर किया हुआ है कि 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने का आदेश दिए हैं, और यहाँ पे जो भी चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। परीक्षा की सूचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बक्से नहीं जाएंगे, तो जरूर कार्रवाई होगी जो भी इस मामले को किए हैं, इस जो है गंदी अपराध को किए हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ में आया होगा, और युवाओं के हित में बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी छात्र हैं उनके हित में आपने बहुत बड़ा फैसला उठाया हुआ है। और आप लोग भी जरूर जो है इनको फॉलो करिए ट्विटर हैंडल पे, क्योंकि ये भी हमेशा अपडेट आप लोग को देते रहते हैं। इस तरह से आप जब भी चाहिए तो ट्विटर पे जाके फॉलो कर लीजिए, आपको जो भी रिलेटेड अपडेट होगा ना यूपी से रिलेटेड यहाँ से आपको जरूर मिलते रहेगा। इसके अलावा यूपी पुलिस का जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है आप इसे भी फॉलो जरूर कर लीजिए, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे अपडेट जो है हमेशा जो है मिलते रहते हैं, देख रहे हैं ना। तो तमाम चीजें हैं, आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।